हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी में ये देखते हैं कि सैड होने पर हम किस किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। अगर आप हमेशा ही उदास होने के लिए या सैड वर्ड आप यूज़ करते रहोगे तो आप देखोगे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता रहता है। यानी हर सेंटेंस में अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आज बहुत सैड हूँ, चाहे वो कैसा भी सिनेरियो, तो आप देखोगे कि आपके रिपीट बार बार आप वही वर्ड यूज़ कर रहे हो। तो वोकैबुलरी में अच्छी वोकैबुलरी यूज़ तभी होती है जब आप सिनारियो बेसिस पे आप अलग अलग अच्छे क्वालिटी वर्ड्स यूज़ करो उस सिनारियो के हिसाब से। उसी तरह से आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हम अपनी सैडनेस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग सिनारियोज में बेटर वर्ड्स के साथ। तो इसमें हम कुछ वर्ड्स कवर करेंगे आज, जैसे कि अपसेट, डाउन, सोरोफुल, ग्लूमी, ऑन एज, मिजरेबल, पैथेटिक, डिवास्टेटेड, डिस्पिरिटेड, डिस्ट्रॉट, डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट, डिस्ट्रेस्ड, रेच्ड एंड डिप्रेस्ड। अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, किस सिनेरियो में कैसा वर्ड यूज़ करना है, तो चलिए ये कवर करते हैं। हम सैड को किस तरह से कैसे यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्ड सो सैड फॉर हिम। वह उसके लिए बहुत दुखी लग रही थी। सैड मतलब उदास होना, दुखी होना। आई सपोज इट वुड बी अ सैड मेमरी। मुझे लगता है कि यह एक दुखद स्मृति होगी, मेमरी के लिए स्मृति होगी। इस तरह से हम सैड वर्ड को यूज करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे ये कहना है आई एम सैड, तो उसके अलग अलग तरीके क्या हैं। जैसे अगर हमने बोला आई फील ब्लू, यानी कि मैं बहुत उदास हूँ, आई फील ब्लू, आई एम सैड। इसके लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो आई फील सो डाउन, मैं बहुत नीचे महसूस कर रही हूँ, यानी कि बहुत लो महसूस कर रहा हूँ। आई एम डिप्रेस्ड, यानी मैं बहुत उदास हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। आप आई एम सैड की जगह कभी आप आई एम डिप्रेस्ड भी यूज़ कर सकते हो। आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। या आप बोल सकते हो आई फील ग्लूमी, मैं उदास महसूस करता हूँ, आई फील ग्लूमी। आई एम अंडर अ क्लाउड, मैं एक बादल के नीचे हूँ। जैसे कि होता है ना, आपके आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आप बहुत भार के नीचे हो और किसी चीज़ को लेके बहुत उदास हो, तो मैं एक बादल के नीचे हूँ, यानी आई एम अंडर अ क्लाउड। आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे, मैं आज बिल्कुल अलग हूँ, यानी मेरा आज का मूड बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सैड हूँ या अलग तरह से हूँ। आई फील अपसेट, मैं परेशानी महसूस कर रहा हूँ, आई फील अपसेट। आई एम ऑल गॉन टू पीसेस, मैं सब टुकड़ों में चला गया हूँ, यानी कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण इतना उदास हूँ कि पार्ट्स में जैसे स्प्लिट हो गया हूँ इस तरह से। अब इन वर्ड्स को देखते हैं, जैसे हम सैड की जगह कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे होना, यानी कि लो फील करना, निराश होना। इसका एक सेंटेंस है, जैसे कि शी हैज़ बीन काइंड ऑफ डाउन सिंस दैट आर्ग्यूमेंट विद जैक, यानी कि जैक के साथ आर्ग्यूमेंट के बाद, तर्क के बाद, वह काफ़ी निराश है, काफ़ी डाउन है, मतलब काफ़ी लो फील कर रहा है। सोरोफुल, बहुत उदास है। विद अ सोरोफुल साई शी फोल्डेड द लेटर एंड पुट इट अवे, एक उदास आह साई के लिए यूज़ होता है, एक उदास आह के साथ उसने पत्र को मोड़ा और दूर रख दिया। सोरोफुल मतलब उदास। ऑन एज हम तब यूज़ करते हैं जैसे लगता है ना कि मैं अब उस कगार पे पहुंच गया हूँ जिसमें मुझे बहुत इमोशनली मैं डाउन हो गया हूँ और मुझे पता है अब आगे कुछ नहीं होने वाला, उस टाइप से। तो कगार पर, ऑन एज का मतलब होता है कगार पर। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, जैसे शी फेल्ट ऑन एज अपसेट बाय ऑल द इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, वह सभी भावनात्मक उतार चढ़ाव से परेशान किनारे पर महसूस कर रहा है, यानी कर रही थी, यानी कि बिल्कुल कगार पर, जैसे अब कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल डाउन हो चुका है, कोई उम्मीद ही नहीं है। तो शी फेल्ट ऑन एज अपसेट बाय ऑल द इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास। वाई आर यू ऑल लुकिंग सो ग्लूमी, तुम सब इतने उदास क्यों दिख रहे हो।
अपसेट, अपसेट का मतलब परेशान होना. माई बेबी गेट्स अपसेट वेन आई लीव द रूम. मेरे कमरे से बाहर निकलने पर बच्चा परेशान हो जाता है, मेरा बच्चा परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है, यानी कि परेशान हो जाता है. अब आप इसमें ऐसे केस में सैड यूज़ करोगे तो वो फीलिंग्स नहीं आएंगी. तो माई बेबी गेट्स अपसेट वेन आई लीव द रूम. मेरे कमरे से बाहर निकलने पर मेरा बच्चा परेशान हो जाता है. मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति कर दी, बहुत ही बैड बिहेवियर कर रहा है कि अब टॉलरेट नहीं हो सकता. तो माई बॉस इज मेकिंग माई लाइफ थॉरोली मिजरेबल विद हर कॉन्स्टेंट डिमांड्स एंड क्रिटिसिज्म. यानी मेरे बॉस ने लगातार अपनी मांगों और आलोचना के साथ मेरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से दुखी कर रहे हैं, मिजरेबल कर दिया, मतलब दयनीय कर दिया. या ये भी कह सकते हैं कि सपोज हमने कोई एक और एग्जांपल लिया कि शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स विद हर फैमिली मेम्बर्स दैट हर स्टेट इज़ वेरी मिजरेबल. है ना, बहुत ही दयनीय हो गई है. मतलब उसमें सैड से अलग ही हो गया एक तरह से. मिजरेबल बहुत ही ज़्यादा दुखी है. मतलब पैथेटिक मतलब कि दुखी, दयनीय, निराश. ये तब हम यूज़ करते हैं जैसे मान लो हमने किसी पर्सन के बारे में या किसी एनिमल के बारे में पैथेटिक यूज़ करना होता है. मीन्स सैड है, वो वीक है, सैड है और हेल्पलेस है. मतलब कि इतना, जैसे वीक का अगर मैं बोलूँ तो इतना वीक है कि वो मुझे सॉरी फील करवा रहा है ना, या वो इतना हेल्पलेस है कोई पर्सन जो कि मुझे सॉरी फील करवा रहा है, उस केस में हम बोलेंगे शी वॉज पैथेटिकली थिन, शी वॉज पैथेटिकली वीक. उसी तरह से यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, इवन टू माई ईयर्स दैट साउंड्स पैथेटिक, मेरे कानों को भी यह दयनीय लगता है. पैथेटिक को हम कई बार ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कोई और पर्सन जो है वो इतना इम्पेशेंट हो रहा है, इतना आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, वो हमें दुखी कर रहा है, उस केस में भी आप पैथेटिक यूज़ कर सकते हो. मतलब कोई ऐसी चीज़, चाहे कोई बहुत वीक है या कोई बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है जिससे हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हम दुखी हो रहे हैं, उस केस में आप पैथेटिक यूज़ कर सकते हो. डिवेस्टेटेड, डिवेस्टेटेड का मतलब होता है तहस नहस करना, मतलब उजाड़ना, उजाड़ देना. शी वॉज डिवेस्टेटेड बाय द लॉस, हार से वह टूट गई थी. यानी अगर कोई ऐसे सपोज लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद आप बिल्कुल तहस नहस हो जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे फील होता है. यानी कि अगर मान लो कि कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, एकदम से शॉकिंग चीज़ हो जाती है, आपका कोई ड्रीम टूट जाता है, उस टाइम पे आप क्या हो जाते हो, शैटर्ड हो जाते हो, तहस नहस हो जाते हो, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, शी वॉज डिवेस्टेटेड बाय द लॉस. डिस्पिरिटेड मतलब मायूस और उदास. शी लुक्ड टायर्ड एंड डिस्पिरिटेड, वह थकी और परेशान लग रही थी. मीन्स जैसे होता है कई बार आपका पूरा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है लाइफ से, बिल्कुल एंथुसियास्टिक नहीं रहते आप, सब खत्म हो जाता है और आप बिल्कुल लो स्पिरिट में, लो लाइफ स्पिरिट में चले जाते हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं डिस्पिरिटेड. यानी कि शी लुक टायर्ड एंड डिस्पिरिटेड, बिल्कुल लो फील कर रही है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में. नेक्स्ट है डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल और परेशान. यानी इसका अगर एक सेंटेंस मैंने लिया है, वीक्स आफ्टर द एक्सीडेंट शी रिमेन डिस्ट्रॉट, दुर्घटना के हफ्तों बाद भी वह व्याकुल रही, परेशान रही. मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ ऐसा देख लिया, एक्सट्रीमली ट्रबल्ड हो आप, मेंटली कंफ्यूज हो चुके हो किसी चीज़ को देख के, उस केस में हम डिस्ट्रॉट यूज़ करते हैं. जैसे इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आई केम होम एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट बिकॉज इट वाज माय ड्रीम जॉब. अगर आपकी, आपको सपोज कोई आप जॉब, आपकी ड्रीम जॉब है एंड यू वर वेरी नियर, और अगर इतनी पास हो के भी आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप कैसे कहोगे, आई केम होम एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम जॉब. मतलब आपको चीज़ नहीं मिली और इसने आपको पूरा डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉट. नेक्स्ट वर्ड है डाउनकास्ट. डाउनकास्ट का मतलब होता है खिन्न होना, उदास होना. इसका जैसे एग्जाम्पल है, विथ डाउनकास्ट आईज आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज नॉट द पर्सन दे ऑल थॉट आई वॉज. नीची आंखों से मैंने समझाया कि मैं वह व्यक्ति नहीं था जिसे वे सभी सोचते थे कि मैं हूँ. तो इस केस में डाउनकास्ट कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो और बिना होप के, जैसे अपने आपने आईज नीचे कर ली हैं, है ना, और नीचे ग्राउंड की तरफ देख रहे हो और पूरी तरह से किसी थॉट में हो, उस टाइम पे आप किसी थॉट में और आप सैड फील कर रहे हो, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं डाउनकास्ट.
तो इसका सेंटेंस है जैसे कि विद डाउनकास्ट आईज, मतलब नीची आंखों से, आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज नॉट द पर्सन, मैंने समझाया कि मैं वह व्यक्ति नहीं था. दे ऑल थॉट आई वॉज, जिसे वे सब सोच रहे थे कि मैं हूँ. नेक्स्ट है डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट का मतलब होता है जैसे कि हताश होना या निराश होना, यानी कि इसका मतलब हो गया बहुत ही अनहैप्पी हो, ना खुश हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आपने ऐसे एक्सपीरियंस कर ली है कि जो तुम्हें जो ये लग रहा है कि अब कभी हमारी ठीक हो ही नहीं सकती, उस केस में आप यूज़ करते हो डिस्पोंडेंट. शी स्टार्टेड टू फील डिस्पोंडेंट अबाउट एवर फाइंडिंग अ जॉब, नौकरी ना मिलने से वह मायूस रहने लगी. मतलब होता है ना कि जैसे आपने बहुत ट्राई मार लिया किसी चीज़ को, अब आपको लग रहा है ये चीज़ मिलेगी ही नहीं, तो पूरी तरह से हताश हो गए और निराश हो गए. नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड, बहुत ट्रबल्ड मतलब परेशानी होना, यानी कि व्यथित होना. दैट न्यूज सर्टेनली डिस्ट्रेस्ड हिम, उस खबर ने निश्चित रूप से उसे बहुत परेशान कर दिया, व्यथित कर दिया. रेस्ट. रेस्ट का मतलब होता है मनहूस या घृणा योग्य, यानी कि जैसे मान लो कि हम किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं ना कि उसके साथ ये चीज़ बुरी हो रही है, और हम अगर मान लो हमें वो चीज़ बुरी लग रही है, मान लो किसी के साथ कुछ बुरा होता चला जा रहा है लाइफ में एंड वी आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट पर्सन, तब हम यूज़ करते हैं रेस्ट. आई गेव यू लाइफ रेस्ट बॉय, मैंने तुम्हें अपना पूरा जीवन दे दिया मनहूस लड़के. मतलब कि रेस्ट का मतलब हो गया मनहूस, और या आप किसी से बहुत नफरत कर रहे हो, या आप किसी के बारे में कोई बहुत ही पिटीफुल किसी के बारे में आप फील कर रहे हो, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं रेस्ट. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, हमें सैड की जगह हम कौन से बेटर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. अगर आप हर जगह पे इन वर्ड्स पे सैड यूज़ करोगे तो एक्चुअल आपका फीलिंग नहीं आएगी उस सेंटेंस में. तो हमें थोड़े बेटर वर्ड यूज़ करने सीखने चाहिए, ताकि हमें हम अपनी ऑफिशियल लाइफ में या अपने नॉर्मल रूटीन में हम थोड़े बेटर वर्ड यूज़ करें बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस. उससे आपके सैड वर्ड का रिपीटेशन भी नहीं होगा, और आप सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट वर्ड, अच्छा बेटर वर्ड यूज़ कर सकते हो. होप दीज वर्ड्स आर हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.